का आउटर रिंग बनाने के लिए हम बिल्कुल स्टार्ट 2D स्केच, इधर से हम एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करते हैं। एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करने के बाद सेम एज इट इज़ हम आउटर रिंग बनाने के लिए एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद ओके डिमेंशन मैं इसकी देता हूँ 31 मिलीमीटर, एंटर। इसी तरह मैं इसके डिमेंशन देता हूँ 12 मिलीमीटर, एंटर। और बिल्कुल डिमेंशन देने के बाद मैं आर्क टूल ड्रा करने के लिए इसी तरह मैं एक लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल लेने के बाद सेम एक मैंने लाइन लगाई है। लाइन लगाने के बाद मैं इधर से सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट का यूज़ करता हूँ ताकि ये जो हमारे एक्सिस हैं उनके बिल्कुल इक्वल आ जाए। उसके लिए बिल्कुल सेंटर से सेलेक्ट किया और इसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट से ये मैंने डिस्टेंस इक्वल हो गया सेम एज इट इज़। और इसी तरह नेक्स्ट मैं डिमेंशन देता हूँ, यानी इस पॉइंट से लेकर सेम इसी तरह और सेम एज इट इज यही मेरी डिमेंशन होगी। इस सेंटर पॉइंट से साइज मैं लेता हूँ 8 मिलीमीटर, इधर मैं देता हूँ डिमेंशन इसकी 12 मिलीमीटर और यूज करता हूँ मैं ट्रिम टूल। और इसी तरह मैं एक और डिमेंशन लूँगा इस पॉइंट से लेकर जो हमारा एक्स और वाई का ओरिजिन बन रहा है 53 मिलीमीटर, एंटर। और राइट क्लिक और फिनिश स्केच, इधर से मैं लेता हूँ रिवॉल्व। जब मैं रॉल टूल लूँगा तो प्रोफाइल एज इट इज़ खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ एक्स एक्सिस ओके, और इसकी मैं मटेरियल जो है बिल्कुल वो मैं ले लेता हूँ इधर से क्रोम पॉलिश। और इसको मैं बिल्कुल सेव कर लूंगा। एच में जाके फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ बेयरिंग।
और नाम मैं रख देता हूँ फोल्डर का आउटर रिंग।